Hi, my name is Shivam Khajuria. Hi, this is Shruti Anand and you're watching National Reporter. Congratulations aapke show ke liye, bahut hi behtareen show hai aur woh concept aapke saath aaya tha, kya kehna chahoge sir? मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी भी ऐसा लगता है कि दो चार एपिसोड ही हुए हैं, ऐसा लगता है कि मतलब रोज़ एक दिन ऐसा लगता है कि वापस शुरू कर रहे हैं हम, बट 300 एपिसोड्स तक पहुँचे, बहुत ही बड़ी बात है। एंड बस यार, मतलब ऑडियंस ने इतना प्यार दिया, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मतलब इस तरीके से पसंद करेंगे लोग। और थैंक यू सो मच यार, आई फील ब्लेस्ड। मतलब मैं रोज़ उठता हूँ सुबह तो ऊपर वाले का थैंक यू करता हूँ। जय सियाराम। आप क्या कहना चाहेंगे? यही बोलना चाहूँगी यार कि थैंक यू सो मच। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा निहार रुचिता को, मन सुंदर को, लेकिन आप लोग कनेक्ट कर पाए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इतना प्यार दिया आप लोगों ने कि हम आज यहाँ 300 एपिसोड सेलिब्रेट कर रहे हैं, आगे चल के हम 400, 500, 600 भी जल्दी करेंगे। आप बस ऐसे ही प्यार करते रहिए और हम लोग अपना बेस्ट देते रहेंगे। थैंक यू। आप दोनों की जो केमिस्ट्री है, पीपल लव सो मच, और जब भी आप कुछ डांटते हैं शो में तो फैंस काफ़ी रिएक्शन दे देते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर मैं कहना चाहूँगा, देखो मैं रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं डांटता, लेकिन शायद इसीलिए मुझे डांटने में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि मैं रियल लाइफ में नहीं डांट सकता। तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं तो बस टूट पड़ता हूँ, क्योंकि पैसे भी मिल रहे हैं डांटने के और सामने वाला जो डांट खा रहा है उसको भी ज़्यादा बुरा नहीं लगता, कट बोल के खुश हो जाता है वो भी। तो बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आता है डांटने में। आप बताइए, आप बताइए कि आप कभी डांटते क्या ऑफ द कैमरा, कभी मस्ती में, कभी कुछ होता है क्या? कभी नहीं, लड़ाई, वही तो बुरी बात इस चीज़ का ज़्यादा बुरा लगता है कि लड़ाई नहीं करता, हंसता रहेगा, कुछ भी बोलो, मैं ही कुछ उल्टा सीधा बोल देती हूँ बट हंसता रहेगा। जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट निहार इज। ओके, निहार की अगर हम बात करें, जो एक जो आदत जो आपको पसंद आती हो या नहीं आती हो, कुछ अगर आप बता सकते। निहार की, निहार की तुम बताओगी? तुम ही बताना है। मैं बताऊं? हाँ। अच्छा, निहार की आदत जो पसंद आती है, सरप्राइजेस अच्छे देता है, फूल वूल, वो पूरा कैंडल लाइट सजा वजा के लड़की को, मतलब पटाने का ज़्यादा टैलेंट है उसमें। मैं बातों से ज़्यादा ट्राई करता हूँ बट वो पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करता है, तो ये मुझे पसंद है। और आपको क्या पसंद है? मुझे रुचिता की सादगी, प्यार इतना ज़्यादा करती है वो सबसे, और इतना कुछ होने के बाद भी शी लुक्स टू द ब्राइटेस्ट साइड, तो मुझे वो उसे सीखना है, मुझे वो बहुत पसंद है। ओके, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो क्या बोलते हैं? आप मतलब यही बोलते यार ये बहू है ये क्या है कुछ अगर आप? हाँ। मुझे तो, मैं अभी गई थी घर, तो मेरे वहाँ पे जो काम करते हैं वो बोल रहे थे निहार से तुम सच में शादी कर लो। मैंने बोला अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, मतलब वो इतना ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं कि उनको लगता है कि निहार एक्चुअली मेरे साथ ऐसे कि मेरे, जैसे मैं जब गांव में बात करता हूँ अपने फैमिली से, अपने नेफ्यू नीस वगैरह से, तो वो इसको चाची चाची बोलते हैं अभी भी। तो मैं कह रहा हूँ भाई ऐसी चाची नहीं है, दूसरा शो करूँगा दूसरी चाची आएगी, कितनी चाचियाँ बनाओगे। बट हाँ, वो भी इतना कनेक्ट हो गए हैं कि ऐसे लगता है कि हम रियल लाइफ कपल ही हैं ऐसा। शो की अगर हम बात करें, काफ़ी न्यू ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, क्या आने वाले आने वाले दिनों में? क्योंकि आप राम और सीता लग रहे हैं, तो शो में क्या ट्विस्ट आने वाला है? अभी ट्रेलर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं राम हूँ, ये सीता है। बाकी यही डिस्क्लोज करूँगा कि जैसे निहार रुचिता जो है, चाहे कोई कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो एंड में एक ही हो जाते हैं, तो उससे ज़्यादा तो बता भी नहीं सकते ना फिर। नहीं नहीं बता नहीं सकते, आप बस देखो और खुश हो जाओ और आगे आपको बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। क्योंकि आखिर में दर्शकों को एक लवली मैसेज, क्योंकि दशहरा आ रहा है, क्या कहना चाहोगे? आपका जन्मदिन भी है तो किस तरह की प्लानिंग होने वाली है, कोई बड़ा धमाल होगा कि नहीं? हैप्पी दशहरा टू एवरीवन इन एडवांस एंड हैव फन विथ योर फैमिली, और खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए और देखते रहिए हमारा शो मन सुंदर। हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दशहरा एवरीवन, एंजॉय कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जैसे दशहरा के बारे में मैंने बताया, अपनी बुराइयों का दहन कीजिए और अच्छाइयाँ लीजिए, राम जी की तरह पुरुषोत्तम इंसान बनिए, मैन ऑफ मॉरल्स बनिए। एंड मेरा बर्थडे आ रहा है, तो बर्थडे पे मैं थोड़ा उल्टा किस्म का आदमी हूँ, बर्थडे पे मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ और वैसे मैं सबके साथ रहना पसंद करता हूँ, तो बर्थडे पे मैं अपने आप को टाइम दूंगा, जो मेरा मन करेगा करूंगा, अभी सोचा नहीं, थोड़ा टाइम है। Thank you so much. Lovely talking to you. Thank you so much.